झांसी के गरौठा में सीएम अखिलेश यादव ने सपा उम्मीदवार दीप नारायण के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से दीप नारायण को लगातार तीसरी बार भारी मतों से जिताने की अपील की। सीएम ने लोगों से कहा कि दीप नारायण बुंदेलखंड के सबसे सीनियर विधायक हैं और सरकार बनने पर उनका ख्याल रखा जाएगा। और जो 56 इंच का सीना लेकर के इस बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में आए थे कि 56 इंच का सीना और झूठ बोलकर जीना, उन्होंने झूठ बोलकर सारे लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने का काम किया है। मैं फिर कहूंगा कि और जो सड़कें रह गई है वो बने, पूरी सड़कें पूरी बने। हमारा स्टेट हाईवे जो आज धीमे से काम चल रहा है उसका तेज काम चले और हम वो इंडस्ट्री यहाँ लगे जिससे रोजगार दे सके। हमारी प्राथमिकता कल भी लोग थे, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी मिलेगा वो लोगों के लिए, लोगों ने बनाया। पहले हम लोगों को बनाने की बात सोचते हैं फिर कुछ बनने की सोचेंगे। मेरा आज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ